अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 3.8 का सब टॉपिक डेट इज़ द स्पेशल केसेस ऑफ वन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ठीक है, तो लास्ट जो हमने लेक्चर कवर किया था उसके अंदर हमने इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन डिस्कस की थी और एट द लास्ट हमने दो वैल्यूज़ कंक्लूड की थी। हमारे दो बॉल्स थे, ठीक है, जब ये दो, एक बॉल था मैस1 और एक को हमने m2 का नाम दिया था। इसकी वेलोसिटी v1 थी और इसकी v2 थी। फिर इन दोनों के दरमियान कोलिजन हुई और कोलिजन के बाद मैस1 की वेलोसिटी हो गई v1 डैश और मैस2 की वेलोसिटी जो हमारे पास आई वो थी v2 डैश और उनकी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे डिराइव कर ली थी, जिनको हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख लिया है। अब हम कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास केस है वो ये है when m1 is equivalent to m2, यानी हमारा मैस1 और मैस2 जो है वो इक्वल है। अगर ये कंडीशन हो तो हमारा v1 डैश और v2 डैश पे क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होगा उसको हमने जो है वो स्टडी करना है। तो स्टार्ट करते हैं v1 डैश से। अब अगर m1 और m2 इक्वल है इसका मतलब है m1 की जगह पे हम m2 पुट कर सकते हैं। यहाँ पे v1 एज इट इज आ जाएगा और साथ ही साथ 2 m2 जो है वो एज इट इज रहेगा और नीचे अगर देखें m1 की जगह अगेन हम m2 पुट करें तो m2 प्लस m2 इंटू v2 ये चीज़ आ जाएगी। m2 माइनस m2 ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो डिवाइडेड बाय m2 इंटू v1 ये चीज़ आई और यहाँ से 2m2 डिवाइडेड बाय 2m2 इंटू v2। कोई भी चीज़ जब हमारे पास ज़ीरो किसी भी चीज़ से डिवाइड हो रहा हो तो वो पूरी टर्म क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। इसका मतलब ये टर्म ज़ीरो हो गई और यहाँ क्या बच गया, ये इससे कैंसिल प्लस v2। इसका मतलब है कि हमारे पास जो v1 डैश का आंसर आया है वो क्या आया है, वो आया है v2 के इक्विवेलेंट। अब हम सॉल्व करते हैं v2 डैश को। यहाँ पे भी हम इसको एज इट इज़ निकाल लेते हैं, 2m1 एज इट इज़, m1 की जगह पे हम m2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 2m2 आ जाएगा और यहाँ पे भी m1 की जगह m2 पुट करेंगे तो यहाँ पे भी m2 बन जाएगा। v1 एज इट इज़ प्लस m2 एज इट इज़ आएगा और m1 की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे m2 पुट कर देंगे। ये चीज़ बन गई। अब नेक्स्ट ये दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, v2 डैश हमारे पास v1 के इक्वल आया यहाँ से और ये वाली टर्म जो है वो ज़ीरो हो जाएगी बिकॉज m2 माइनस m2 ज़ीरो और ज़ीरो से जब भी कोई चीज़ डिवाइड होती है तो वो होल टर्म को ज़ीरो बना देती है। लिहाजा हमारे पास v2 डैश का आंसर v1 के इक्वल आ गया। इसको भी हम यहाँ लिख लेते हैं, v2 डैश इज इक्वल टू v1। तो फर्स्ट केस जो था जो हमने डिस्कस किया उसमें हमने क्या बात कंक्लूड की कि जो v1 डैश था यानी हमारे पास जो बॉल 1 था उसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन बॉल 2 की वेलोसिटी के इक्वल हो गई और बॉल 2 जो था उसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन बॉल 1 की इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल हो गई, यानी सिंपली वेलोसिटीज एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो गई हैं। सेकेंड केस डिस्कस करते हैं, व्हेन m1 is equivalent to m2 and v2 is 0। इस चीज़ का मतलब क्या है, इस चीज़ को सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मैस1 और मैस2 हमारे दोनों इक्वल हैं और v2 ज़ीरो है। सिंपली इसके लिए यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा मैस1 था, ये मैस2 था, इनिशियल वेलोसिटी v1 थी और इसकी v2 थी। कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी v1 डैश हो गई और इसकी वेलोसिटी v2 डैश हो गई। अब हमें ये बताया गया है कि दोनों मैसेज जो हैं वो इक्वल हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, साथ ही साथ जो सेकंड मैस है उसकी वेलोसिटी हमारे पास ज़ीरो के इक्वल है, मतलब कि जो सेकंड मैस है वो हमारा रेस्ट पे पड़ा हुआ है। इस स्टेट को देखते हुए अब हम v1 डैश और v2 डैश की नई वैल्यूज़ जो हैं वो डिटरमिन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं v1 डैश से। अगेन वैसे ही m1 की जगह m2 पुट करेंगे, यहाँ पे v1 आ जाएगा और यहाँ पे हम अगर चेंज करें तो m2 एज इट इज़, m1 की जगह m2 इंटू v2 ये चीज़ आ गई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये पूरी चीज़ ज़ीरो हो जाएगी बिकॉज m2 माइनस m2 ज़ीरो के इक्वल है, ज़ीरो डिवाइडेड बाय समथिंग एंड मल्टीप्लाइड बाय समथिंग तो पूरी टर्म ज़ीरो हो जाती है। और यहाँ पे 2m2 डिवाइडेड बाई 2m2 ये कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आएगा v1 डैश का हमारे पास v2 के इक्विवेलेंट। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ और हमने करनी थी कि v2 हमारे पास ज़ीरो है तो हम इसको भी ज़ीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। तो जब इसको हम ज़ीरो पुट करेंगे तो होल टर्म हमारी ज़ीरो हो जाएगी, यानी v1 डैश का आंसर हमारे पास ज़ीरो आ गया। अब हम सॉल्व करते हैं v2 डैश को। यहाँ पे भी सिंपली 2m2 आ जाएगा बिकॉज m1 इज़ रिप्लेस्ड बाय m2। ठीक है, यहाँ पे m2 प्लस m2 इंटू v1 ये वाली टर्म हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी बिकॉज v2 हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, ज़ीरो के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से ये पूरी टर्म ही ज़ीरो को ड्रॉप कर गई और ये चीज़ क्या बची 2m2 ओवर 2m2 v1 प्लस ज़ीरो। तो v2 डैश का आंसर आ गया v1 के इक्वलेंट। तो इस केस के अकॉर्डिंगली हमने क्या बात ऑब्जर्व की कि जब हमारे दोनों मैसेज सेम होंगे, मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे और सेकंड मैस हमारा रेस्ट पे होगा यानी v2 ज़ीरो होगा तो v1 डैश ज़ीरो के इक्वल आएगा और v2 डैश जो है वो v1 बॉल की वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं केस नंबर 3 को। केस नंबर 3 हमारे पास क्या है, केस नंबर 3 हमारे पास सिंपली ये है कि व्हेन लाइटर बॉडी कोलाइड्स विद अ मैसिव बॉडी, यानी इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा डायमेंशन को कि जो m1 है ये हमारे पास क्या हो गई है, अब लाइटर बॉडी हो गई है और ये कोलाइड करेगी किसके साथ, एक हैवियर बॉडी के साथ डेट इज़ m2। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे कंडीशन कि m2 जो है वो वेरी वेरी ग्रेटर है m1 से बिकॉज m1 जो है वो लाइटर है और m2 जो है वो हैवियर है और दोनों को लाइट कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि m2 इज़ ग्रेटर देन m1 और साथ ही साथ हमें क्या कंसिडर करना है कि जो हमारी मैसिव बॉडी है वो रेस्ट पे है यानी ये वाली बॉडी रेस्ट पे। अगेन दूसरी कंडीशन क्या होगी, v2 इज़ इक्वलिंग टू ज़ीरो। इस कंडीशन को हम मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहें तो कैसे करेंगे कि अगर m2 बहुत बड़ा है m1 से तो m1 बहुत छोटा है, हम उसे निगलेक्ट कर सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि m1 इज इक्वल टू ज़ीरो। और अब हम अपनी इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं v1 डैश से। m1 यहाँ पे ज़ीरो आ गया माइनस m2 ओवर यहाँ पे भी ज़ीरो और प्लस m2 v1 और ये वाली टर्म हमारे पास क्या आएगी 2m2 ओवर ज़ीरो प्लस m2 इंटू ज़ीरो बिकॉज v2 हमारे पास ज़ीरो है तो ये टर्म तो हमारे पास कम्प्लीटली ज़ीरो के इक्वल आ गई। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास माइनस m2 ओवर m2 v1 ये कैंसिल और v1 डैश की वैल्यू आ गई माइनस v1 की फॉर्म में हमारे पास। अब नेक्स्ट अगर हम सॉल्व करें इस पार्ट को तो इसके अंदर जो है वो क्या होगा, v2 डैश के लिए 2 m1 हमने ज़ीरो लिए इट मीन्स कि ये टर्म ज़ीरो यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है ये पूरी टर्म जो है वो ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगी। और अगर इस टर्म की अगर हम बात करें तो m2 एज इट इज़ रहेगा, m1 ज़ीरो प्लस m2 एज इट इज़ और ये v2 आ गया। तो v2 डैश और साथ ही साथ हमने ये भी कहा था कि v2 हमारे पास किसके इक्वल आ रहे हैं, ज़ीरो के, तो यहाँ पे उसको भी ज़ीरो यहीं से ही कर देते हैं। तो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय समथिंग उसको क्या बना देगा, ज़ीरो बना देगा। तो v2 डैश का आंसर ज़ीरो के इक्वल आ गया। इसका मतलब है जब एक छोटी सी लाइटर बॉडी एक हैवियर बॉडी के साथ कोलाइड करेगी तो क्या होगा कि जो हमारी फर्स्ट बॉडी है वो रिवर्स बैकवर्ड मूव कर जाएगी अपनी ही वेलोसिटी के साथ। ठीक है, और एक छोटी सी बॉडी जब एक हैवियर बॉडी से कोलिजन कर रही है तो इस बॉडी पे कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। ये स्टार्टिंग में भी रेस्ट पे थी और ये आफ्टर कोलिजन भी रेस्ट पे रही यानी v2 डैश भी हमारे पास ज़ीरो के इक्विवेलेंट ही आया है। लास्ट केस डिस्कस करते हैं व्हेन मैसिव बॉडी कोलाइड्स विद अ लाइट स्टेशनरी बॉडी। अब हमारे पास सिचुएशन क्या है कि मैसिव बॉडी जो है वो कोलाइड कर रही है विद अ लाइटर स्टेशनरी बॉडी। इसका मतलब है यहाँ पे हम डायग्राम को थोड़ा सा बदल लेते हैं। M1 मैसिव हो गई है और M2 जो है वो बहुत लाइटर बॉडी हो गई है, इसको V2 लिखेंगे यहाँ पे। इस सिचुएशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि नाउ M1 इज़ वेरी वेरी मच ग्रेटर देन M2, ठीक है, और साथ ही साथ जो हमारा M2 मैस है वो अगेन रेस्ट पे है। इट मीन्स डैट V2 इज इक्वलिंग टू ज़ीरो। और थर्ड कंडीशन इसी से हम बना सकते हैं कि अगर M1 M2 से बहुत बड़ा है, मतलब M2 का साइज़ बहुत छोटा है, तो हम उसे ज़ीरो के इक्वल ले सकते हैं। इस कंडीशन को लेते हुए हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं V1 डैश से। सबसे पहले M2 ज़ीरो करना है हमें, ज़ीरो ज़ीरो इंटू V1 एज इट इज़ आ जाएगा। इस टर्म को थोड़ा सा चेंज करें तो क्या करेंगे, M2 की जगह ज़ीरो, M1 प्लस ज़ीरो, और अकॉर्डिंग टू कंडीशन V2 जो है वो रेस्ट पे है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी। ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय एनी टर्म हमें आंसर ज़ीरो प्रोवाइड कर दिए। इसका मतलब है ये टर्म तो ज़ीरो हो गई और V1 डैश क्या बच गया, M1 ओवर M1 V1 प्लस ज़ीरो। तो V1 डैश का आंसर आया V1 के इक्विवेलेंट। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करना। तो इस इक्वेशन को अगर इन पैरामीटर्स पे सॉल्व करें तो क्या रिज़ल्ट आएगा, हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो है 2m1 एज इट इज़, m1 प्लस ज़ीरो इंटू V1 आ गया, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे जो है वो ज़ीरो माइनस m1, m1 प्लस ज़ीरो इंटू ज़ीरो। ये टर्म अगेन हमारे पास ज़ीरो हो गई और यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये इससे कैंसिल, और V2 डैश का आंसर आएगा 2V1। कंक्लूड हमने क्या किया, कंक्लूड हमने ये बात की कि जब हमारी एक हैवी बॉडी एक लाइटर बॉडी से टकराएगी तो क्या होगा कि जो V1 डैश है वो अपनी ही वेलोसिटी से मूव करेगा, जैसे वो पहले मूव कर रहा था सेम वैसे ही मूव करेगा, लेकिन जो V2 है वो डबल टाइम इस वेलोसिटी से मूव करेगा। जाहिर सी बात, एक छोटी सी चीज़ के साथ एक बहुत बड़ी चीज़ आके टकरा रही है तो ये बॉडी जो है ये बड़ी ज़्यादा स्पीड से मूव कर जाएगी, इसकी स्पीड 2 टाइम्स हो जाएगी इस बॉल की स्पीड के। तो ये थे हमारे पास स्पेशल केसेस ऑफ इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन।